While Karan Johar's first directorial debut Kuch Kuch Hota Hai garnered huge success at the box office, the director now feels that the film has a very unusual silly theme. Karan was present at the 7th Jagran Film Festival on Saturday, and here, while talking about his debut film, Karan shared some amazing incident regarding the same. See, Kuch Kuch Hota Hai बहुत ही unusually silly theme है, क्योंकि पता नहीं उस 8 चिट्ठियों में वो माँ ने क्या लिखा था, 4 साल का बच्चा क्या पढ़ता है, वो इतनी conviction के साथ कि 8 चिट्ठियाँ माँ ने छोड़ी है, पर क्या लिखा होगा पहले चिट्ठी में, दूसरी चिट्ठी में, कि वो बच्चा सुन सके या पढ़ सके, वो logic, वो कहता है मैं जिंदगी में प्यार एक ही बार होता है, शादी एक बार होती है, खुद उसने दो दो बार प्यार किया है, शादी दो दो बार की है, सारा गलत था, लेकिन इतना conviction, इतनी conviction के साथ लिखी थी कि it made all sense. आज तक मुझे किसी ने पूछे कहा शाहरुख खान का प्रोफेशन क्या था कुछ कुछ होता है, I have no idea. Somebody asked me, क्या है? I said, I don't know. Business था. क्या business? इतना business था कि उसने इतना वक्त मिल गया कि वो समर कैंप में एक महीना जाके बैठ गया कि कौन सा वो एम्पायर रन कर रहा था. It was quite silly. Like शबाना जी कॉल्ड मी, कुछ कुछ होता है कि स्क्रीनिंग उन्होंने कहीं देखी थी बर्मिंघम में, आपकी भांजी की तरह, she also had problems. So she called me and she said के भाई ये क्या हुआ, खूबसूरत नहीं थी तो प्यार नहीं हुआ, खूबसूरत हो गई, साड़ी पहनने लगी, बाल बड़े हो गए और इश्क हो गया उसे, क्या कहना चाहोगे? I said sorry. Written and directed by Karan Johar, the film stars Shahrukh Khan, Kajol and Rani Mukherjee in the lead.